Good afternoon. Welcome to the Grand Canyon. हो गया dental process पूरा. ये गाड़ी हमारी है अगले 2-3 दिनों के लिए. Grand Canyon National Park जाना है. पक्का recommend करूँगा कि इस वाले route से जाएँ. दिख रहा है. गजब. ओ भाई साहब. टोपी पहन के बालों में खुजली क्यों होती है? तो हूँ असी जा रहे हैं चेक इन करने. यवापाई लॉज अवेलेबल ऑप्शंस थी यहाँ पर रहने के लिए नेशनल पार्क के अंदर. उनमें से वो चीपेस्ट थी $125. और ये हमारी कुटिया. कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी पीने के लिए आए हैं हम. ये सबसे अच्छा व्यू पॉइंट है. आज ग्रैंड कैनियन के सामने खड़ा हूँ. जाएंगे हम कहाँ पे? डेलीकेट आर्च जो जिस पे सनराइज बहुत अच्छा होता है. फॉर्चुनेटली सिर्फ 2 कार्स हैं पूरे पार्किंग लॉट में. करीब 1 घंटा लगा हमें यहाँ पहुँचने के लिए. ये है सामने डेलीकेट आर्च. सीधी खाई है नीचे इस तरफ. पहुँच गया हूँ फीनिक्स. कल रात को पहुँच गया था. ये घर है जनाब शंकु का. भागे भागो भागो भागो. तो बेसिकली यहाँ से हम कार रेंट करने वाले हैं. शंकु भाई कार रेंट जब करेंगे अभी वो मुझे भी एक ड्राइवर के तौर पे ऐड कर सकते हैं और मेरा जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा. मेरा जो इंटरनेशनल ड्राइविंग हो गया रेंटल प्रोसेस पूरा और अब ये गाड़ी हमारी है अगले 2-3 दिनों के लिए. ओके बट नाइस कार. काफ़ी बड़ी है और स्पेशियस है काफ़ी ज़्यादा. Yes. क्या नाम है उस कार का? GMC Terrain. Great. It's a nice car. ये हमारे देश में नहीं मिलती है GMC. अभी हम क्या कर रहे हैं? स्मगलिंग. अभी हम लोग इस कार से उस कार में थोड़ा सामान इधर का सामान उधर वही करना है. वैसे एक बात है गर्मी के सीजन में ना ये मैं तो पक्का इस कार में ही सो जाता. 100% सो जाता मैं इसमें. हो जाता है एक्चुअली. हो जाता है मतलब हमारे जो वो वाला रुकने का खर्चा है ना वो बच जाता है इसमें. मैं अगली बार US आऊँगा तो ऐसे कुछ करूँगा. ऐसी बड़ी कार लूँगा. SUV चलाने में भी कंफर्टेबल होगी और पावरफुल भी होगी और सो भी सकते हैं. या ग्रैंड कैनियन एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है. आना पड़ेगा एरिजोना स्टेट में या तो फीनिक्स उतरेंगे या फ्लाइट से आएंगे. तो नियरेस्ट एयरपोर्ट यही होगा ना शायद ग्रैंड कैनियन के लिए. ऐसा भी है. अच्छा पॉपुलर नहीं है पर कुछ फ्लाइट्स आते हैं. लेकिन फीनिक्स पॉपुलर होने की वजह से सस्ती फ्लाइट्स अगर आपको चाहिए तो फीनिक्स बिग बड़ा एयरपोर्ट है. हम क्योंकि फीनिक्स से ग्रैंड कैनियन हमें जाना था बेसिकली. दिखा मैप में कि एक रास्ता थोड़ा सा डिटोर है सेडोना होकर भी है. रास्ते में जो जो पॉइंट्स पड़ते हैं उनको देखते हुए चलते हैं.
सेडोना से फ्लैगस्टाफ के बीच का ये रास्ता है, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क जाना है या ग्रैंड कैनियंस जाना है फीनिक्स से, तो मैं तो पक्का रिकमेंड करूँगा कि इस वाले रूट से जाएं। फरवरी यानी मार्च फर्स्ट वीक है, बर्फ है दोनों तरफ, यानी हाइट है यहाँ पर ना काफ़ी। और आप कितनी बार गए हैं यहाँ से? दस बारह बार। और हमेशा ही मौसम ऐसा, मतलब ऐसा मिला, मौसम ऐसा रहता है, बर्फ थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, हम लोग जाते हैं उस टाइम पे कि पूरा ये भरा रहता है, पूरा वाइट रहता है एकदम। तो ये पहली बार है जब बर्फ कम है, थोड़ा बर्फ कम है। हाँ, और एक बार मैं आया था यहाँ पे हाइकिंग करने, तब फॉल कलर्स था पूरा, तो पूरा मतलब ऑरेंज रेड येलो सब कलर्स थे पेड़, मतलब पत्ते के, वो अलग ब्यूटी है, उसका अलग ब्यूटी है। तो ये बेसिकली ओक क्रीक कैनियन है, ओक क्रीक कैनियन रोड। तो अगर सेडोना से आप निकलोगे वाया ओक क्रीक कैनियन तो आपको ये लेके आएगा, अगर डायरेक्ट फ्लैगस्टाफ दोगे तो फिर हाईवे से लेके चला जाएगा। ठीक है। दुनिया के जो बहुत कुछ जो बहुत नहीं मतलब जो मैंने अभी तक बहुत जो खूबसूरत रास्ते देखे हैं ना घूमते हुए, उनमें से मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ कि ओक क्रीक कैनियन वाला जो रोड है, ओक क्रीक कैनियन रोड ही बोलेंगे ना, ओक क्रीक कैनियन रोड, ये मेरे ख्याल से एक वन ऑफ द बेस्ट सीनिक रूट्स में से एक मेरे लिए। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क का एंट्री गेट जहाँ पर लगती है लाइन। जनाब बता रहे हैं कि यहाँ पर लाइन काफ़ी लंबी लगती है, एक दो माइल तक लगती है, जहाँ पर हमको $20 या $30 की एंट्री टिकट देनी पड़ेगी। Correct. पर हमारे पास है एक बड़ा खास ये वाला अस्त्र शस्त्र। ये एनुअल अमेरिका के सभी नेशनल पार्क्स के लिए, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, और इसकी कीमत शायद $50, $55, $60 कितना है आगे पता चलेगा। और हाँ, ग्रैंड कैनियन आप पहले भी कई बार आ चुके हैं। हाँ, ग्रैंड कैनियन पहले भी आ चुका और इसके वीडियोस भी बनाए हैं। और वो YouTube पर है। किस नाम से आपका चैनल? मेरा चैनल का नाम है शैंक्स ट्रैवल डायरी। शैंक्स ट्रैवल डायरी यही रहेगा नाम या चेंज कर? यही रहेगा अभी। नहीं चेंज, अभी चेंज नहीं होगा। अच्छा, ठीक, ये परमानेंट हो गया है। ओके, पहले कुछ और था, शैंक्स ट्रैवल डायरी है जिसमें ग्रैंड कैनियन और भी कुछ और वीडियो लोकल जगह है कुछ, तो वो भी आप देख सकते हैं, शैंक्स ट्रैवल डायरी। ग्रेट, हम अभी तक लाइन में खड़े हुए हैं। ये थोड़ा ज्यादा ही लंबा ले रहा है। अच्छा, अदरवाइज आप बता रहे थे कि और भी लंबी लाइन है। ये प्रीपेड क्या चीज है वहां पर लिखा हुआ है? प्रीपेड ये हमारे लिए तो नहीं है कहीं? प्रीपेड शायद, यार ये पता भी नहीं था मुझे। ओह, हम लोग जा सकते थे ना वहां से, शायद जा सकते, बट वो क्लोज्ड लिखा है वहां पर। चलो ठीक है, ये भी उतना ही मूव कर रहा, बहुत ज्यादा मूव कर नहीं रहा है। एंट्री का जो हिसाब किताब है यहाँ पर, जो एंट्रेंस फ़ी है, वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश से भी दे सकते हैं। हालांकि कोविड के टाइम पर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड से प्रेफर करेंगे। बाकी हम जैसे अपनी गाड़ी से आए हैं तो इसकी एंट्रेंस फ़ी है $35, जिसमें आप एक दिन रह सकते हैं या फिर 7 दिन रह सकते हैं। तो 1 से 7 दिनों के लिए एंट्रेंस फ़ी 35। मोटरसाइकिल्स आएंगे तो 30, साइकिल्स आएंगे या पैदल आएंगे तो $20। पर मेरे ख्याल से हमारा वाला जो कार्ड है नेशनल पार्क वाला, ये शायद वैलिड होना चाहिए, है ना? अदरवाइज हमें भी $35 देने पड़ेंगे। चलिए फाइनली हमारा भी नंबर आ ही गया। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द ग्रैंड कैनियन। यस, सो आई हैव दिस पास एंड दिस आईडी। गुड, यू नीड सम मैप्स? या ओके, होल्ड ऑन, हियर वी गो। कितने अच्छे लोग होते हैं यार। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ग्रैंड कैनियन। वाह, हमें तो मुश्किल से 1 मिनट भी, मतलब 5 सेकंड लगे बस नमस्ते करी, उन्होंने मैप दे दिया है वाला। ये है जी सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स, 2019 से 2019। ग्रेट। कार के अंदर तो हम बैठे हुए थे बड़े आराम से, मैं अपनी सिर्फ एक शर्ट पहन के बैठा हुआ था। जैसे ही बाहर निकला, टेम्परेचर काफ़ी कम है, लोगों ने जैकेट पहन रखी है,
कैप लगा रखी है, बहुत कुछ कर रखा है. हमको देखकर एहसास हुआ कि हमको भी यूज़ करना चाहिए. हम जा रहे हैं विजिटर सेंटर, 4:15 हो गए हैं और वहाँ पर हमारा करीब मेरे ख्याल से 40 मिनट आराम से गए हैं. हमारा जो ETA गूगल बता रहा था वो था 3 बजे का और अब 3:40-45 हो गए. सारा टाइम वहीं खर्च हुआ. देखो मौसम कैसा है ये दिखाता हूँ. ये सारी बर्फ़ है. ये सब बहुत इंफॉर्मेशन. अरे हाँ यार, तो से वेयर डू आई गो फॉर सनसेट, ये सब है मेरे पास. ठीक है, अगर ऐसा है तो यही सारे कॉमन सवाल होते हैं, लोग पूछे जाते हैं विजिटर सेंटर में जाके, सनसेट के लिए कहाँ जाऊँ, सनराइज़ के लिए कहाँ जाऊँ. इन्होंने पहले से लिख दिया ये. अरे ये भी लिखा हुआ है, देखिए आप, जो हमें चाहिए था ना वो ये रहा यहाँ पर, बस के बारे में. वहाँ पर बहुत सारे के सारे वो जो लगे हुए हैं इंस्ट्रक्शंस, उनको फॉलो करके ये पता चल गया. एक तो छोटी सी ट्रेल है, वो मैं करने वाला हूँ, हम दोनों करने वाले हैं. और दूसरा एक ड्राइव है जिसको आप अपने व्हीकल में कर सकते हो. और बाकी यहाँ पर फ्री शटल बसेस भी हैं. लेकिन हमने ये फैसला किया है कि एक तो हम ट्रेल करेंगे, पैदल चलेंगे, हाइक छोटा सा, और उसके अलावा हम करेंगे यहाँ पर ड्राइव. आज करेंगे ट्रेल, सनसेट पॉइंट तक जाएंगे. सनसेट पॉइंट्स 3-4 लिखे हुए थे, उनमें से एक या दो देख लेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से सो जाएंगे यहीं पर. एक यवापाई लॉज है और उसके बाद फिर सुबह एक ड्राइव करेंगे, सनराइज़ पॉइंट तक जाएंगे ड्राइव करके, और फिर जब हो जाएगा तो दाएं बाएं घूम घाम के आ जाएंगे. काफ़ी लोग हैं ना आज. ये क्या है, मैथर पॉइंट ओवरलुक, मैथर पॉइंट. शंकु भाई बता रहे हैं कि गेट रेडी, क्योंकि इसके बाद एक अच्छा वाला व्यू आने वाला है. अभी तक तो ये पेड़ पौधे ही नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा. ग्रैंड कैनियन वहाँ से थोड़ी सी झलक दिख रही है मुझे, लेकिन आप यहाँ बता रहे हैं चलो यहीं चलते हैं. कितनी बार आए हैं आप यहाँ पर? आई थिंक 4th 5th 5 बार हो गया, 4-5 बार. ओके, सर्दी काफ़ी थी इस वजह से ये टोप धारण करना पड़ा और ग्लव्स वगैरह भी पहन लिए हैं. ओके यहाँ अच्छा, गर्मियों में आएंगे तो भी टेम्परेचर काफ़ी गर्म होगा ना? गर्म होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं, एरिजोना मतलब टिपिकल वैसा नहीं होता. अच्छा, अरे दिख रहा है यहाँ से, वाओ. अरे वाह दिख रहा है गजब. ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, वाओ, ओ भाई साहब, माय गॉड, ये है खास है. कितना बड़ा है ये. वो जो बीच पे है ना, वहाँ से रिवर क्रॉस कर रहा हूँ. यहाँ से नहीं दिखेगा, ओपी पॉइंट से दिखेगा. क्या रिवर? कोलोराडो रिवर. अच्छा हाँ, यहाँ से नहीं दिख रहा. वो बहुत फेमस व्यू पॉइंट उसको, उसी को बोलते हैं माथर व्यू पॉइंट. मैदर, माथर, मैथर, जो बोलना बोला है मैं THER व्यू पॉइंट. और जैसे हम लोग जी समझ गया सारी बात आपकी. जैसे इन चीज़ों को देख कर ना मेरा तो मन करता है ड्रोन उड़ाऊँ, लेकिन वही उस इस वाले जो इन्होंने हमको मैप्स के साथ में, मैप के साथ में जो सारा लिटरेचर दिया है उसमें बहुत साफ लिखा है ड्रोन उड़ाना सख्त मना है. और शायद वहाँ पर भी मना था, आर्चेज में भी, तो शायद मेरे ख्याल से US के सभी नेशनल पार्क्स में शायद ये ड्रोन उड़ाना मना है. बोलते बोलते ड्रोन के बारे में देखो. अरे वाह, देखा वहाँ वो आ ही गया. हो गया क्लियर. ये है मैथर व्यू पॉइंट. ये परछाई मेरी है, ये पैर मेरे हैं, ये जूते मेरे हैं.
Guys, come over here. हर एक के मुंह से बस इसको देख के वही निकलता है जो अभी इन मोहतरमा ने कहा. वाओ एक चीज अभी भी यहाँ देखने को मिली, कॉइंस कैन किल. और यहाँ लिखा हुआ है प्लीज हेल्प अस प्रोटेक्ट पार्क वाइल्ड लाइफ बाय नॉट लिटरिंग और टॉसिंग कॉइंस इनटू द कैनियन. हम अक्सर नदियों में, पानी में, झीलों में, ऐसी जगहों पर मन से श्रद्धा निकलती है, मन से बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव वो निकलता है और उसको दिखाने के लिए हम अक्सर अपने सिक्के उछाल के डाल देते हैं उसमें. यहाँ पर भी लोग करते होंगे, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ कि ये एक कैलिफोर्निया कॉन्डोर, एक पक्षी, वो उसको खा गया कुछ सोच के कि ये उसके खाने की चीज़ है और उसके अंदर जो जिंक था उसने उसको पॉइजन कर दिया और मारा गया. मुझे लगता है कि पानी में भी जो चीज़ें होती होंगी वो शायद कुछ ना कुछ तो असर डालती होंगी. सिक्के जिस चीज़ के बनते होंगे, केमिकल्स वगैरह जो उस पर पॉलिश ट्रीटमेंट वगैरह जो होता होगा. कभी दिमाग में आई नहीं थी ये बात. ओके यार, अब कुछ दिन पहले ही दिया था. अच्छा. हाँ हाँ हाँ, ठीक. इसका इस ट्रेल का नाम क्या? मैं सोच मैंने चश्मा खा लिया. होता है. ये रिम ट्रेल. ओके. कई बार कार में चाबी लगी होती है. यार चाबी कहाँ लगी हुई है? यार कार चल रही है. सबसे बड़ी बात ये. अच्छा ये ही ट्रेल है. ओह नाइस. अच्छा यहाँ पर तो लोग ही नहीं है. हाँ अच्छा, ये बड़ी खास बात होती है, मैंने अक्सर व्यू पॉइंट्स पर देखी है, अक्सर टूरिस्ट अट्रैक्शंस पर. पहला जो अट्रैक्शन होता है ना, व्यू पॉइंट होता है ना, वहाँ पर जनता आती है. यस yes. अब यहाँ yes. देखो कोई भी नहीं है, खाली yes. पड़ा हुआ है पूरा. यस एब्सोल्युटली. और यहाँ पे ऊपर से बहुत अच्छा पिक्चर आएगा, मतलब थोड़ा कैमरा ऊपर. यहाँ पर एक्चुअली ये तो सारा ही वो पड़ा है, खाली है. शंकु भाई बता रहे हैं, हम लोग एक्चुअली वापस जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो हम जहाँ पर हैं ये है साउथ रिम और उस तरफ है नॉर्थ रिम, और बीच में ये जो ग्रैंड कैनियंस वाला ये जो पूरा है ना, कैनियंस हैं इन दोनों रिम्स के बीच का जो डिस्टेंस है जनाब बता रहे हैं कि कितना है? Approximately 10 miles. मतलब if a bird flies, उसको 10 miles लगेगा पहुँचने के. मतलब यहाँ से जो दिख रहा है वो वाला किनारा उस तरफ, वो 13 miles दूर है यहाँ से. 13 miles मतलब साफ नज़र आ रहा है, कुछ भी बीच में रुकावट नहीं है और महसूस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी कि 13 miles का डिस्टेंस है. हालांकि एक चीज़ और थी, अभी एक हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजरा था तो वो हमें दूर से ऐसा लगा जैसे ड्रोन उड़ रहा है, जबकि ड्रोन तो अलाउड नहीं था, पर हम यही सोच रहे थे कोई उड़ा रहा होगा ऐसे, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद रंग का दूर से ऐसे नज़र आ रहा था. फिर जैसे जैसे नज़दीक आता गया तो उसकी आवाज़ आई, फिर लगा अरे भाई साहब ये तो हेलीकॉप्टर है. नीचे उड़ रहा था वो, काफ़ी नीचे नदी के आसपास. टोटल कैनियंस इज लाइक अराउंड 277 miles, मतलब लेंथ वो 277 miles. अच्छा पूरा 277 miles. हाँ और विड्थ का तो डिपेंड करता है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, बट इट रन फ्रॉम लाइक 277-300 miles. हाँ और यहाँ पे पता है देर आर सम 300 caves. Caves? Yes. There are some 300 caves. अच्छा एक मिनट ना, सामने ये लोग शेल्टर है, ये शायद बस वाला पॉइंट होगा. फ्री शटल बस जो चलती है ना वो इस पॉइंट तक भी छोड़ने आती होगी. वहाँ लोग इस वक्त फ़ोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं, उस तरफ एक शेल्टर. तो पैदल भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, लेकिन एक आपने खुद ही बताया था कि उस पॉइंट तक जहाँ तक हम गए हैं 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे पैदल, और उससे ज़्यादा टाइम लगेगा बस से, क्योंकि वो शटल है वो घूम घूम के जाती है. और यहाँ फ़ायदा ये है कि आप एज के साथ साथ चल सकते हैं. आप कुछ कह रहे थे, सॉरी. हाँ मैं वही बोल रहा था कि 300 caves है यहाँ पे. उसमें से एक केव कहीं पे है जो कि ओपन टू पब्लिक है. अच्छा. अदरवाइज कोई भी केव ओपन टू, वो रिसर्च होता है, साइंटिस्ट जाते हैं, पता नहीं क्या रिसर्च करते हैं. तो ऐसा यहाँ जनता का शोर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बाहर जाते हुए ये नज़र आया ट्राइब्स कॉल द कैनियन होम.
मतलब इस ग्रैंड कैनियन वाले एरियाज में जो बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, ट्राइब्स मतलब वो वाली ट्राइब्स जो जिनको हम नेटिव अमेरिकन्स या जो यहाँ के मूल जो बाशिंदे थे, यूरोप से लोग आके बसे हैं जो असल में गोरे हैं, अफ्रीका से लोग आके बसे हैं जो असल में काले हैं, उनसे पहले जो यहाँ पर लोग रहा करते थे ना, जो जातियाँ जो ट्राइब्स रहा करती थी उनके नाम यहाँ रखे हैं, जैसे अपाचे, ये लिखा हुआ है यावापाई, और यहाँ लिखा हुआ है हुआलापाई। एक बहुत सुंदर एक वो भी है यहाँ पर एरिया हुआलापाई, ये है हवासुपाई जिसके नाम से एक फॉल है, और ये सदर्न पायुते होपी, होपी तो एक जगह भी है यहाँ पर जिसकी मतलब इसी नाम से जगह होगी, ये जूनी नवाहो, ये जे है स्पैनिश में, जे एच नवाहो, वापस आ गए हैं। और इन्हीं लोगों को इन्होंने नेटिव अमेरिकन्स हैं इनको यहाँ बोलते हैं इंडियंस। इसको अगर आसान भाषा में समझेंगे जो ट्राइब्स के नाम मैं ले रहा था, तो अगर मैं अपने देश के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो ये समझें कि ये आदिवासीज हैं। आदि मतलब जो यहाँ के पुराने रहने वाले जो वासी लोग हैं, वो ये उन आदिवासियों की जो जाति हैं उन सब के नाम लिखे हुए थे यहाँ पर, ठीक है ना? करेक्ट। ठीक है, इस तरफ है विजिटर सेंटर और ये है पार्किंग। ओपी। अच्छा, हमें वो भी देखना ना कि हमारा जो गेस्ट हाउस है वो कहाँ पर है। यू आर हियर, हम यहाँ पर हैं, ये हमारी पार्किंग है, और माता पॉइंट यहाँ पर है। गेस्ट हाउस का नाम क्या है? यहाँ पर यावापाई। अच्छा, ओके, डेजर्ट व्यू। कल इस तरफ जाएंगे सुबह। यावापाई लॉज ये रहा। उत्तरी, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, ज़्यादा दूर तो नहीं है। यावापाई पॉइंट इस तरफ है। एक बहुत ही जीवन मरण का प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये कि टोपी पहन के बालों में खुजली क्यों होती है? समझ में नहीं आता, मतलब थोड़ी देर बाद यूं 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 सर ऐसे ऐसे करना पड़ता है। आपके पास कोई आंसर नहीं है? नहीं है। ओके, देखो आपके कोई सब्सक्राइबर कुछ बोल पाए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कमबख्त। ऐसा भी नहीं कि सबके सामने ऐसे ऐसे करने लगो। इस नेशनल पार्क में तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, कार चार्जिंग पॉइंट्स, उधर हमारी लॉज, उसका नाम है यावापाई लॉज, एटीएम, उधर एटीएम, एटीएम की बैंक है मुझे लग रहा है, पूरा है वो, पूरा बैंक ही होगा शायद, बैंक है, चेज बैंक, पोस्ट ऑफिस, उधर जनरल स्टोर है, पोस्ट ऑफिस है। सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे हम लोग क्रिकेट भी खेल सकते हैं, यहाँ पे दो विकेट डाल के। हाँ, और फिर जेल जाएंगे, और फिर थोड़ा सा जेल लेके जाएगा, दैट्स ओके, चलता है। यहाँ क्रिकेट खिला रहे हैं जनाब, बताइए, पार्किंग में। तेरी रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे। कहाँ है रेस्टोरेंट? हम लोग चल रहे हैं अंदर। हाँ। तो हूँ असी जा रहे हैं चेक इन करने यावापाई लॉज में। जनाब के हिसाब से यावापाई लॉज जो अवेलेबल ऑप्शंस थी यहाँ पर रहने के लिए नेशनल पार्क के अंदर, उनमें से वो चीपेस्ट थी, उसके लिए भी हम पे कर रहे हैं करीब 125 अमेरिकन डॉलर। You're here for one night, two clean beds, the room's already paid for. I just need to get a card on file for the security deposit. ये क्या आप अभी पे कर रहे हैं? नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है। We took the coffee pots out of the room. These are complimentary coffee vouchers for our deli inside the general store. Okay. From 7 a.m. to 8 p.m. Okay. You're going to be in building 3. Okay. So you exit right behind us at the stop sign, make a right, skip okay. The first one, it's going to be your second one, parking right up there. Okay. You exit right behind us. Okay, thank you so much. And you're any welcome. Password for the Wi-Fi? Excuse me? Any password for the Wi-Fi? Password, or we have limited Wi-Fi in our lobby, not in the room, okay. And it's Grand Canyon with no password. Okay. All rooms are non-smoking, no pets allowed, checkouts at 11. Okay, thank you. Uh-huh. Thank you. You're welcome, have a great day. You too. Shukriya, sir.
यहाँ पर वाईफाई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लॉबी में वाईफाई है। ठंड लग रही है। अभी हम वहाँ जा रहे हैं ना, अपने रूम की तरफ। अपने रूम की तरफ। तो अभी हम कहाँ हैं? यावापाई लॉज। हमारा रूम नंबर है 7033 से 7048। हमारा नंबर क्या है? 7036। ओके। हाँ 7036 है, 7306 भी है क्योंकि एक रूम। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शायद। अच्छा 7036। अच्छा 7036 ना। अभी हम यहाँ है क्या? ये जो क्रॉस बना है पार्किंग लॉट है ना, वो जाना। अभी हम स्ट्रेट जाएंगे, राइट मुड़ेंगे और यहाँ जाएंगे। गाने बजने लगे हैं, इसको बंद करने का वक्त आ चुका, अदरवाइज आ जाएगा कॉपीराइट। क्या स्ट्राइक? हाँ क्या आएगा? कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, कॉपीराइट क्लेम आएगा। कॉपीराइट क्लेम, क्लेम आएगा। मैंने आवाज कम कर दी है। सात हजार 36 क्रमांक कहाँ होगा इनमें से? कुछ दिख रहा है क्या यहाँ से? ये नंबर हैं 7000। हमें और आगे चलते जाना है। 7016 था यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी है, which is good। काम पे नहीं आएगा बट ठीक है, अच्छा लगा देख के। 7019 ठीक है। और 36 7037 यहाँ बर्फ है जमी हुई, बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या बोलते हैं? 39 40। हाँ 39 40। ये है जनाब का आंकड़ा, ये 36 का आंकड़ा। और ये हमारी कुटिया, ये है हमारी कुटिया। और इसका लाइट कहाँ से जलेगी? अरे भैया ये कैसा है उधर इतनी दूर? दिस इज वेरी वियर्ड। साफ सुथरा, सुगंधित माहौल, गर्म है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक है। व्यू कुछ है नहीं? हाँ व्यू तो खैर नहीं है, सही बात है। हाँ जी ये थी अति महत्वपूर्ण जगह और ये हैं हम। वाह यहाँ पे ये जो जनरल स्टोर है, यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। खाने पीने की भी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग बाहर से सोच रहे थे कि छोटा मोटा सा स्टोर होगा, लेकिन यहाँ पर खाने पीने की तो हैं। उस सेक्शन में बहुत सारी ऐसे जैसे जैकेट्स वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ग्लव्स, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे माउंटेनियरिंग, हाइकिंग, जैसे डिकैथलॉन में मिलते हैं ना स्टोर्स में, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ फेस, पैटागोनिया, ट्रैकिंग पैंट्स, हाइकिंग पैंट्स, ग्लव्स। एक चीज़ तो पहली बार देखी जिसको वो वार्मर्स थे हाथ में, ग्लव्स में और अपने टोज में, जूते में डाल दो तो वो गर्म रहेंगे 10 घंटे तक आपके पैर को। ये बढ़िया चीज़ थी। खैर हम तो यहाँ पर जब चेक इन करा रहे थे अपने यावापाई लॉज में, तो हमें ये दिया गया था। अभी आपको दिखाता हूँ क्या दिया गया था। हम यहाँ क्यों आए हैं बताता हूँ अभी मैं आपको। कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं हम। कॉफ़ी पी के पॉपकॉर्न खाएँगे या फिर पॉपकॉर्न और कॉफ़ी साथ साथ खाएंगे पियेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, क्या अरिजीत सिंह को सुनेंगे? yes। पॉपकॉर्न को सुनेंगे और किसे सुनेंगे? फिलहाल तो यही दो हम लोग का फेवरेट हो गया। ठीक है इस ट्रिप के लिए। तो जो भी यात्री कुछ खाने पीने को नहीं लाए हैं वो चिंता ना करें, यहाँ पर आके आप खरीद सकते हैं। साढ़े 10 हो चुके हैं, नया दिन शुरू हो गया है। अपने यावापाई लॉज से चेकआउट करने के बाद एक और व्यू पॉइंट पर आए हैं ग्रैंड कैनियन में ही। इसका नाम है लीपन पॉइंट, शायद ये प्रोनंसिएशन होगा। और मुझे लगता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रैंड कैनियन का शायद ये जो साउथ रिम है ना, ये है साउथ रिम। तो साउथ रिम
वाले जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं शायद ये सबसे अच्छा व्यू पॉइंट है और ये सबसे आखिरी में भी है मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे कोई यहाँ पर पहुँचता है ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं आते ही बोलते हैं वाह। कारण इसका ये है यहाँ से साफ नज़र आती है कोलोराडो रिवर उस तरफ और ख़ास तौर पे उस तरफ बहुत साफ नज़र आ रही है और शायद कैनियंस यहाँ इसके बाद ना इस पॉइंट के बाद में ख़त्म भी हो जाते हैं। आगे वो पूरा प्लेन नज़र आ रहा है। सबसे अच्छी बात इस वाले व्यू पॉइंट की बेशक ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है वो तो खैर है ही, ये इसका यूएसपी है। असल में यूएसपी क्यों है, क्योंकि ये जो कैनियंस है ना, ये जो सामने वाली जो रिम है वो बहुत नज़दीक है, साफ़ नज़र आ रही है। वेयरएज़ वहाँ पर जैसे मैथर पॉइंट था या शाम को जो दूसरे पॉइंट्स देखे थे वहाँ थोड़ा सा रिम दूर थी। रिम मतलब जो दूसरा वाला जो एंड था ग्रैंड कैनियंस का। दूसरा एक जो अच्छी जो बात है इस पॉइंट की वो है पार्किंग। आप अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, ये खड़ी हैं गाड़ियाँ सारी, मतलब अपनी कार से उतरो और अगर सवेरा सुबह सुबह आप सनराइज़ देखना चाहते हो, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि सनराइज़ देखने के लिए ये बेस्ट व्यू पॉइंट है क्योंकि सूरज शायद इस तरफ कहीं से होता उगता होगा वहाँ से और उसके बाद फिर ये जो उसकी रोशनी है ना, जो सनराइज़ पड़ती होंगी वो इस तरफ कहीं पड़ती होंगी, वो बड़ा एक मैजिकल इफ़ेक्ट पैदा करता होगा सनराइज़। सनसेट के बारे में मैं कह नहीं सकता ये कैसा है। बोलते हैं होपी पॉइंट सनसेट के लिए अच्छा है। सबसे ख़ास बात ये कि यहाँ पर लोग बहुत कम हैं इस वक्त, शायद कम ही आते होंगे क्योंकि ये दूर है बहुत ज़्यादा। हमें आपने यावापाई लॉज या फिर जो ग्रैंड कैनियन का जो विज़िटर सेंटर है जो वहाँ से यहाँ तक आने में आराम से आधे घंटे से ऊपर लगा। इससे एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये बने कैसे थे ग्रैंड कैनियन, बड़ा बेसिक सा सवाल है, और ये पत्थरों के रंग ऐसे क्यों हैं। कोलोराडो नदी अभी जो मैंने बताया था उस तरफ तो बहुत ही प्यार से सीधे साधे तरीके से बह रही है क्योंकि ज़्यादा कट्स नहीं है, गोल गोल से हैं, वेरस वहाँ आगे जाकर बहुत ही तीखे मोड़ होने की वजह से वो पत्थरों को काटती है। पानी तो काट ही नहीं सकता ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि बेसिकली जब पानी का बहाव बहुत तेज़ होता तो छोटे छोटे कंकर, छोटे छोटे पत्थर, फिर पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता तो बड़े बड़े पत्थर जब इन चट्टानों से टकराते हैं तो वो इरोजन, वो क्या बोलते हैं, टूटने लगते हैं पत्थर, और उसके बाद फिर करीब 50 लाख साल लगे करीब 1 किलोमीटर नीचे इस नदी को पहुँचने में। और अब जिस पॉइंट पर वो है वहाँ पे मैं बड़ा हैरान हूँ, उसका नाम लिखा हुआ है विष्णु बेसमेंट रॉक, वहाँ सामने है वो रॉक का नाम विष्णु बेसमेंट क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आया। इनफैक्ट वहाँ जब हम कल मातर पॉइंट में थे तो वहाँ हमने देखा था विष्णु विष्णु टेंपल था ना, वो विष्णु टेंपल, विष्णु क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा है, बट खैर जो भी है वो विष्णु बेसमेंट रॉक के बारे में लिखा हुआ है कि वो इस कॉन्टिनेंट का या फिर इस इलाके का सबसे निचला पार्ट है और इसके नीचे नदी और नहीं जा सकती है क्योंकि वो टफेस्ट रॉक है। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है।